में इसके पहले इसके पहले के सप्ताह में एक संघ की पहचान संघ कैसा होता है इनकी पहचान हमने करवा दी है तो आज हम उस संघ वंदना से संघ के गुण संग रत्न कैसा है वो देखने वाले हैं तो हम कहते शुरुआत कहते संघ वंदना का कहाँ से करते हैं अभी अभी उन्होंने रत्न वंदना ली है शशि मौर्य जी ने सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उज पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो अर्थात सुमार्ग से चलने वाला संघ पटिपन्न पट्टीपन्नवन मार्ग तो सुमार्ग से चलने वाला ऐसा संघ ऐसे संघ को मैं नमन करता शरण जाता हूँ सुपटिप्नो भगवतो सावक तो इसमें सावक शब्द आया है सावक सावक का अर्थ होता है शिष्य ग्रहणशील सावक का अर्थ होता है जो ग्रहणशील होता है सुनना तो सभी सुनते हैं ना और सुनते हैं कभी कभी बात सुनते है और उ, उनको ध्यान में भी नहीं रहता कि क्या सुनना लेकिन ये जो सावक शब्द दिया है सावक अर्थात बुद्ध सावक उसको कहते हैं कि जो ग्रहणशील होता है और ग्रहणशील शिष्य बुद्ध का उसको कहा है शावक तो बुद्ध का शिष्य बहुश्रुत भी होता है जैसे कि भिक्षु आनंद के बारे में हम जानते हैं उनको बहुश्रुत का आगे है तो इसलिए और संग बहुत सारे हैं हमने पहली बार देखे थे संग तो बहुत सारे नाम होते हैं ऐसे लेकिन यहाँ ग्रहणशील होता है ग्रहणशील का अर्थ क्या होता है आ, जो सुनते हैं तो खाली ऐसा ही बॉडी से या कान है हम देख रहे हैं ऐसा सुनते नहीं है आ, सुनना अर्थात संघ की बहुत ही बड़ी परिभाषा की है आ, इसको ऐसा कहते हैं संघ तीन प्रकार से वंदित होता है तीन प्रकार से कैसा होता है एक गाथा आती है उसमें आप हमेशा वंदना में कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं उसको कहते हैं दानंग ददंतु श्रद्धा शिलंग रखंतु सब्बदा भावना भीरता हंतु गच्छन्ति देवता गता अर्थात दानंग ददंतु श्रद्धा दान किसको श्रद्धा पूर्वक देते श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान अर्थात संघ को श्रद्धा पूर्वक दान दिया जाता है तो क्या कहते हैं? शिल रखंतु बता। तो जो जिस संघ में जो संघ में जो दानशील है और जो शील शील रखंतु बता। अर्थात हमेशा वो सील का ध्यान रखता है शील को सुरक्षित रखता है अपने शील का कई गलत तो आ, कई आ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं शील का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं ये बराबर ध्यान रखता है उसको कहा सिल रखन्तु अर्थात शील की रक्षा करना रखन मैंने रक्षा करना तो जो अपनी शील की रक्षा करता है जो अपनी शील की रक्षा करता है और भावना भी रत्तु अर्थात जो भावना अर्थात समाधि भावना अर्थात ध्यान भावना अर्थात ध्यान साधना में जो रत रहता है तो ध्यान साधना का इतना ही होता है तो यहां अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी कुछ बातें ऐसे सीखना पड़ेगा कि दान शील और ध्यान दान, शील और ध्यान ये तीन बात में जो निपुण होता है वो संघ का सदस्य होता है उसको कहते सावक इसको कहते सावक उसको सावक कहते कि वो क्या कहता है बड़े शान से ग्रहणशील होकर धम्म देशना करते हैं, धम्म श्रवण करते हैं, धम्म का दान देते हैं और धम्म श्रवण करने के लोगों को मदद करते हैं, और जो सिल का रक्षण करते हैं, सिल का पालन करते हैं, है। और जो ध्यान में रथ है अर्थात ध्यान साधना जो हमारी जो ध्यान साधना की जो पद्धति है उसके अनुसार जो पांच पद्धतियां है उस पद्धति के अनुसार वो ध्यान साधना में रथ होता है ऐसा सावक संघ को मैं क्या करता हूं नमन करता हूँ वंदन करता हूं तो संघ होता है ऐसा मामूली नहीं है तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि दानन ददन तु श्रद्धा ऐसे ऐसे संघ को हम दान दान देते हैं तो इसमें बहुत सारे बहुत सारे बातें हम धीरे धीरे इसमें देखेंगे दान शील और आ, ध्यान लेकिन हम संघ की बात करते हैं तो क्या कहते हैं ऐसा संघ की सुपटिपन्नो भगवतो सावक अतः ऐसा सावक ऐसा शिष्य बुद्ध का कि जो ग्रहणशील है और जो ग्रहणशील होकर सुनता है और आचरण करता है ऐसे संघ को मैं नमन करता हूं तो सु पटिपन्नो पटिपन्न मार्ग सु मार्ग, सु मार्ग पर चलने वाला संघ सावक संघ अर्थात सु माने क्या तो सु मार्ग माने कौन सा मार्ग तो हमें सुमार्ग माने क्या कहते हैं योग्य मार्ग तो ऐसा है कि हमें योग्य मार्ग तो किसको कहते हैं तो हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे मार्ग है बहुत सारे मार्ग है और लोग बहुत सारे मार्ग का अपना क्या कहते उस मार्ग पर चलते हैं तो एक ही मार्ग नहीं बहुत सारे मार्ग है और उन्हें लगता कि है हमारा बहुत अच्छा मार्ग है और वो अपने रास्ते में चलते है ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं तो ऐसे ही बुद्ध एक बार आ, वो आ रहे थे तो कुछ भिक्षु लोग अपने आपस में चर्चा कर रहे थे और चर्चा क्या कर रहे थे तो बोलते थे अरे भाई मैं उस रास्ते से गया बड़ा रास्ता बेकार है इतना कठिन रास्ता है कि मैं बता नहीं सकता ऐसे मार्ग से नहीं जाना चाहिए फिर तो दूसरा कहते अरे तुम्हारे तो मार्ग में कठिन होगा मेरे मार्ग में तो कांटे कांटे काटे थे अः रास्ते में भी इतने कांटे थे मेरे कांटे साफ करते करते जाना पड़ रहा था और इतना काट काटेरिया रास्ता था तो कहता तो अरे तुम्हारा तो वही है मेरे रास्ते में गड्ढे कभी खाई कभी ऊपर चलो कभी पहाड़ी चढ़ो इस प्रकार के मैं मार्ग से जा रहा था ऐसे अपने 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 अनुभव वो बता रहे थे कि ऐसा मार्ग है ये मार्ग से नहीं जाना चाहिए वो मार्ग से नहीं जाना चाहिए इस प्रकार और बुद्ध पीछे से आ रहे और पूछ रहे क्या बात चल रही है आपकी क्या कथा कर रही है क्या कथा चल रही है आपकी तो फिर उन्होंने बताया भिक्षु ने कि भगवान ऐसे ऐसे मार्ग है तो मार्ग की चर्चा कर लेते तो बुद्ध कहते यह मार्ग नहीं है तुम भिक्षु बने हो तुम भिक्षु बने हो और तुम्हारा मार्ग कौन सा होना चाहिए योग्य मार्ग काटे, काटे का रास्ता है ये तो बाधा है समस्या है और ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं असली मार्ग कौन सा है वो आपको मालूम होना चाहिए और फिर बुद्ध ऐसे ही बातें करते करते उनको कहते हैं तो Kumarripe. क्या कहते हैं भव्य शरण्ती पबता वना च ये तो लोग सोचते हैं मार्ग कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए तो मार्ग तुम्हें कौन सा चाहिए तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मार्ग पर है कौन से मार्ग पर है बहुव्य शरण्ती पबता वना क्या कहते वना बहुवे है? शरण बहुत सारे लोग ऐसे शरण स्थान खोजते हैं कि मैं कहा शरण जाऊ और ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे संसार में अगर देखे तो इतने सारे धर्म हैं इतने सारे पंथ है इतने सारे, सारे संप्रदाय है आप देख लेंगे तो कम से कम तीन हजार से ज्यादा पंथ संप्रदाय धर्म है इनसे भी ज्यादा संख्या होगी क्योंकि हर आदमी ने थोड़ा सा गया और आपने पगडंडी खोल दी अपना छोटा सा रास्ता पगडंडी मेन जो रोड रहता है मेन जो रास्ता रहता है उस रास्ते को छोड़ देते हैं और कौन सा रास्ता पकड़ते ऐसा कच्चा रास्ता ताकि हम जल्दी पहुंच जाए और फिर उस रास्ते में अगर पानी आ गया तो गड्ढे भी हो सकते उसमें और गड्ढे भी गिर जाते फिर बरसात पानी में गड्ढे खराब हो जाते लेकिन हमें आदत पड़ी है कि शॉर्टकट खोजना मेन रोड छोड़ देते मेन रोड जो रहता है बहुत अच्छा पक्का रोड है पक्की सड़क है उसको छोड़ देते और हम पगडिंडे पगडंडिया बनाते ऐसे जो है ना पग रास, रास, रास्ते रास्ते ऐसे बना देते और इस प्रकार हम हमारे एक प्रकार का स्वभाव बना है रास्ते बनाना तो बुद्ध कहते तो ऐसे सारे बहुत सारे रास्ते लोग करते हैं तैयार बहुत भव्य शरण थी पबता बुद्ध कहते ऐसे मनुष्य ने इतने सारे शरणस्थान बना दिए है अर्थात माथा टेकने के शरणस्थान यहाँ मेरा भला होगा यहाँ मेरा भला होगा हा इस रास्ते से इस इस पत्थर की पूजा करूंगा इस पेड़ की पूजा करूंगा हाँ इस जल की पूजा करूंगा इस जंगल की पूजा करूंगा तो मेरा भला होगा मेरी सुरक्षा होगी तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं? भव्य चेत्यान आराम रुख चे आराम मुझे आराम मिलना चाहिए हाँ मुझे सुरक्षा मिलना चाहिए मैं सुरक्षित होना चाहिए तो आराम आराम का अर्थ होता है बगीचा बगीचा में कोई एक ही एक ऐसा पेड़ के उसके ऊपर पूजा करते हैं उसमें कुछ सिंदूर वगैरह लगा कर उसकी पूजा करते हैं कि यहाँ मेरी रक्षा होगी तो क्या कहते हैं आराम रुख रुख माने वृक्ष पेड़ पेड़ की पूजा करते हैं पत्थरों की पूजा करते हैं जंगल की पूजा करते हैं तो क्या यहाँ कहते हैं पब्बत माने पहाड़ पब्बत माने पहाड़ तो आदमी ने अपने शरण स्थान खोज लिए सुरक्षित होने के लिए अपने लिए इसलिए कहते हैं भव्य शरणंग पब्बत आना चर आराम रुख चैत्यानी मनुष्य भयत जीता क्या कहते हैं मनुष्य भयत जीता अर्थात ये जो मार्ग बताया हमने पत्थर के इधर से तो ये भी है आदमी ने पत्थर के जैसे काटा का काटे का रास्ता नहीं होना चाहिए पत्थरों का नहीं होना चाहिए खाई का नहीं होना चाहिए अंदर खाई नहीं लगना चाहिए हमें सुरक्षित ध्यान चाहिए ऐसे हम ऐसा सोचते तो ऐसे ही, इधर भी अपने जीवन के लिए लोगों ने किसी पत्थर की पूजा करते हैं कि मेरा भला हो जाए मेरी सुरक्षा हो जाए किसी पहाड़ की किसी जंगल की किसी जल देवता की किसी वन देवता की ऐसे उन्होंने शरण स्थान बना के रखे है जा रास्ते में गए एक पत्थर रख देते उसमें कुछ सिंदूर लगा देते और वहां फिर हाथ जोड़ते कि ये मेरा रक्षा करेगा और ऐसे बहुत सारे शरण स्थान है इसलिए बुद्ध कहते हैं ये कोई शरण स्थान नहीं नेथम को खो शरण खेम नेतंग शरण उत्तमं उत्तम क्या कहते उत्तम अंग माने ये कोई शरण स्थान नहीं है क्या आप सुरक्षा खोजते हो जंगल के पहाड़ की, की यहाँ पत्थर की उस पत्थर की अः माथे में कुछ लगाने की माता टेकने की जहाँ पाए वहां माता झुकाने की ये जो शरण स्थान खोजे हो ये कोई सुरक्षा देने वाले शरण स्थान नहीं बुद्ध कहते नेत खो शरण अंग इस चरणों से तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली और नेथंग शरणंगमंग ने शरण अर्थात ये कोई श्रेष्ठ शरण स्थान नहींतन शरण अगर ऐसे शरण स्थान के पीछे लगेंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा तो क्या होगा बहते सब दुखा पम ये सभी मार्ग जो है ये सभी शरण स्थान जो है ये सभी दुख की ओर ले जाने वाले सब दुखा पमुचती ये दुख निर्माण करने वाले हैं सभी और आप देखिए आप सुच करिए कि हम जो सोचते हैं कि ये बाबा के पास जाएंगे उस बाबा के पास जाएंगे उस बाबा को दक्षिणा देंगे उस बाबा का हमें भला करेगा तो इस प्रकार आबा बाबा इतने इतने तैयार हो गए कि आपकी मनोदशा को जानकर आपको हिप्नाटिस कर लेते हो और आपके हिप्नाटिस करके कहते कि आपको ऐसा करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा अरे हाँ ये बहुत अच्छा है और इसलिए हम अपनी सुरक्षा कहते कि यहाँ मेरी सुरक्षा होगी और फिर धीरे से वो आपके धन आपकी दौलत जो भी पैसा जो भी है वो इतना लूट कर ले जाते कि आपको पता ही नहीं चलता आप कंगाल हो जाते हैं ना माथा टेकते 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 कर्जा करते रहते लेकिन आप जो बाबा कहता है जो कोई बाबा, बाबा कोई भी बाबा कहता है उसके आप नुसा और कर देते हैं तो बुद्ध ऐसे कहते हैं कि नेतं खो शरण नेतंग सरणंग नेतंग शरणंगा गंगा सब दुखा पमुच थी ना ये शरण स्थान नहीं है बुद्ध कहते अर्थात ये योग्य मार्ग नहीं है क्यों क्योंकि योग्य मार्ग इसलिए नहीं है कि यहां तुमको दुख ही दुख मिलेगा तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा कहीं आपको आराम नहीं मिलेगा तो क्या कहते धम्मं च संघं शरणं गतो अगर तुम्हें सही शरण स्थान चाहिए अगर तुम्हें शरण स्थान अगर चाहिए तो बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न इसको हम कहते बुद्ध बुद्ध क्या कहते तुम्हें काटा गड़ गया और तुम अगर दौड़ के आ रहे तो बुद्ध कहते आओ मित्र मैं तुम्हें काटा निकाल देता हूं तुम्हें तो जो काटा गड़ गया है मैं तुम्हारा काटा निकाल देता हूं ऐसे शब्द देकर तुम्हारे अंदर की जो दर्द है आधा दर्द ऐसा ही चला जाता है कि वो मीठे बोल सम, समझ कर। और फिर वो मार्ग कैसा काटा निकालना क्या करना चाहिए तो इस प्रकार बुद्ध बताते हैं इसलिए यो बुद्धंस धम्मन संघंस शरण अंगत तो, हो हाँ। चत्तारी अर्थात चतारी का मतलब चार चारी मतलब चार जो आर्य सत्य है तो क्या है यहाँ बताते चार आर्य सत्य क्या है दुख तुम्हें तो दुख क्यों हुआ तुम्हारे काटा गड़ गया ये काटा गड़ गया तो पहले ये आदमी चारों तरफ घूमता है कि मेरे को काटा गड़ गया निकाल दो निकाल दो निकाल दो तो किसी के पास जाता है तो वो कहता है कि भाई कब काटा गड़ा कितने बजे गड़ा कौन से दिशा में तुम्हारा मुंह था आ, वो नक्षत्र कौन सा था ये सारा पूछ रहा है उसको लेकिन काटा नहीं निकल रहा ऐसा घूमता है वो मनुष्य काटा निकालने के लिए सभी बोलते भाई कौन सी तिथि थी, 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 थी कौन सा वार था अः कौन सी दिशा थी ऐसा ही उनको पूछते और समय बर्बाद करते हैं इधर तकलीफ है और बुद्ध के पास करते जाते ही बुद्ध कहते आओ मित्र तुम्हारा काटा निकाल देता हूं और यह बुद्ध काटा निकालने के बाद फिर उनका कारण पूछते दुख काटा गड़ गया दुख हो गया फिर फिर कांटे का काटा कैसा गड़ गया कारण क्या है तो कारण ये है कि आपने चप्पल नहीं पहनी थी पैर में इसलिए यह कारण है चप्पल अगर पहनते तो काटा नहीं करता तो इस प्रकार फिर चप्पल यह है उसका निरोध और चप्पल मतलब चप्पल निरोध है काटा अगर कर रहा चप्पल अगर पहनते जाओगे तो आपको काटा नहीं करेगा हाँ। तो यहाँ क्या है जागृति अगर जागृति का आपने जागृति पूर्वक अगर गए रहते तो आपको काटा नहीं गड़ा रहता इस प्रकार धीरे 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 उसको शिक्षा में लागते ह इसलिए कहते बुद्ध कि ये थो शरण खेम अभी क्या कहते ये थो शरण खेम ये तंग शरण उत्तम कौन सा दुखम दुख संपाद दुख अतिकम क्या कहते हैं दुख अतिकम क्या कहते हैं दुख दुख संपाद दुख चतिकम अर्यंत ठीक मगम दुख पसम गामिन अर्थात बोलते दुख है दुख का कारण है दुख का निरोध है और दुख को निरोध करने वाला मार्ग है जिसको हम कहते आर्य अष्टांगिक मार्ग अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग ये मध्यम मार्ग है ये मध्यम मार्ग कैसा है कि ये ना आपको अति की तरफ ले जाता है दो अति है ना ये आपको खाओ पिओ मौज करो ये इस मार्ग से भी नहीं ले जाता है और अपने दूसरा जो मार्ग दूसरी जो अति है कि शरीर को कष्ट दो शरीर को तप करो कष्ट दो शरीर को तपाओ तो यह भी एक दूसरा मार्ग है ये दोनों अति छोड़कर ये दोनों शोर छोड़कर एक खाओ पियो महस करने का मार्ग छोड़कर और एक शरीर को पीड़ा देने का मार्ग छोड़कर जो मध्य का मार्ग है वो है आर्यटिक मार्ग जिसको हम कहते योग्य मार्ग और बुद्ध इसलिए कहते सुपटिपन्नों अर्थात योग्य मार्ग से चलता है बुद्ध का संग कहां चलता है क्योंकि बुद्ध के शिष्य को श्रावक को यहाँ श्रावक इसलिए मैं पहले आपको बताया कि श्रावक बुद्ध का जो शिष्य है यह योग्य मार्ग से चलता है इसलिए क्या जो योग्य मार्ग से चलता है सुमार्ग से चलता है ऐसे संघ को मैं नमन करता हूं ऐसे संघ को नमन करता हूं जिस जो योग्य मार्ग से जाता है इस प्रकार सुपटी अर्थात बाकी के जो मार्ग है उसको भी आपको देखा है और ये भी मार्ग देखा है तो बाकी के मार्ग आपको कर्म कांड की ओर ले जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सारे मार्ग बासठ प्रकार के दृष्टिया में आपको ले जाते हैं कहीं ना कहीं ते दृष्टि में आप फंस जाते हैं और इसीलिए अः हम आ, हमें ऐसा लगता है कि यही सही मार्ग है और हम वह ही आ, लिप्त हो जाते रमन करना शुरू कर देते लेकिन जब हमें उसमें ऐसा ही करते करते जब हमें पता ही नहीं चलता तो हम उसमें रमना होकर एक दिन मर जाते लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो सकता विकास नहीं हो सकता इसलिए बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा में जो आठ प्रतिज्ञा दी है से, ये, ये से गलत मार्ग से निकालने के लिए बाबा ने हमें रास्ता दिया बाईस प्रतिज्ञा में सरल करके दिया सुमार्ग के तरफ जाने के पहले हम जो कुमार्ग से जा रहे थे गलत मार्ग से जा रहे थे वो गलत मार्ग से न जाने के लिए बाबा साहब ने हमें एक एक का नाम लेकर आपको प्रतिज्ञा में ढाल दिया है बाबा साहब ने इसको अधर्म कहा गया अमार्ग कहा गया कुमार्ग कहा गया अधर्म जिसको हम कहते हैं धर्म अधर्म और, और सदर्म बाबा साहब ने जो उसमें विभाजन किया है उसमें कहा अधर्म माने बाबा साहब ने बाईस प्रतिज्ञा में हमें ढाल दिया है और वो है मैं ब्रह्म विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा अर्थात आपके भीतर का ईश्वर जो वाद है ईश्वर को आपका, उसकी नाड़ी काट दिया और आपको कहा कि ये मार्ग नहीं है ये कोई सुरक्षा देने वाले नहीं ब्रह्म हो विष्णु हो महेश हो ये आपको कोई सुरक्षा देने वाले नहीं है तो फिर उसके राम हो कृष्ण हो इसका भी नाम लेकर कहा उन्होंने ये भी सुरक्षा देने वाले नहीं है फिर तीसरी बार में कहते गौरी गणपति और हिंदू धर्म के जितनी भी देवी देवता हैं एक शब्द यहाँ ध्यान में रखना है बुद्ध बाबा साहब बहुत सटीक बहुत अः क्या कहते प्रज्ञावान हैं उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कभी कभी हमें समझ में नहीं आता हम आप से पढ़ते क्या कहते गौरी गणपति अर्थात गौरी गणेश और हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की ड्यास है इसमें इसमें क्या है ड्यास लगाई है अर्थात Hey, क्या कहते इसको अपन उसको हेडलाइन क्या कहते मार्क करने लायक है कि हिंदू धर्म की किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा या उनकी उपासना नहीं करूंगा तो कभी कभी इसमें देव शब्द आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन होता है बुद्ध धर्म में बाबा साहब ने त्रीन वंदना तो में देखा होगा हाँ देव मनुष्यन कहते हम देव मनुष्यानंद तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है अरे बाबा साहब ने इधर देवी देवता को नहीं माना नहीं इधर देव को माना तो इसलिए बाबा साहब को कहना पड़ा कि मैं गौरी गणेश और हिंदू धर्म की किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा इसका मतलब बुद्ध धर्म की देवी देवता क्या है यह निश्चित ही अलग है तो यहाँ समझना है अपभ्रंश में नहीं रहना चाहिए इसलिए बुद्ध धर्म की देवी देवता ये है कि मैंने अभी गाथा कहा आपको दान ददंतु सद्धाय शीलम रखंत सभ्यता भावना भीरता हंतु गच्छन्ति देवता गता कि जिसमें दान श्रद्धा पूर्वक देने देना श्रद्धा है मैंने श्रद्धा पूर्वक जो दान देता है और जो शील की रक्षा करता है शील का पालन करता है और ध्यान में रत रहता है ध्यान साधना में वो रत रहता है वो देव गति उसको देव कहा गया उसको देव कहा गया बुद्ध धर्म में अर्थात इस मनुष्य में हम देव की गति प्राप्त कर सकते हैं अर्थात हम ये जो मनुष्य है अगर हम दान नहीं देते शिल का आचरण नहीं करते और हम अगर ध्यान साधना नहीं करते तो हम आम आदमी है आम मनुष्य है लेकिन देव ने देव तब तो बनेंगे इसमें जब हम आचरणशील बनेंगे तो इसीलिए बुद्ध धर्म में बड़े सटीक और बड़े प्रज्ञावान बाबा साहब ने ये बात कही है कि मैं हिंदू धर्म में किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा ये हमें समझना पड़ेगा और इसीलिए आगे क्या कहते हैं जो चौथी चौथी आत्मा के लिए आत्मा नहीं है तो आत्मा नहीं है लेकिन लोग आज भी आत्मा के चक्कर में है मैं तो कहता हूँ कि अभी लोग यहाँ हम लोग सुनते रहते बौद्ध भी है बहुत सारे लोग बहुत सारे क्या बहुत अधिकांश भारत में बौद्ध है लेकिन वो आत्मा शांति आत्मा शांति करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि आत्मा है कि नहीं है आत्मा माने क्या है समझे ही नहीं और इसीलिए बाबा साहब ने इसने कहा कि मैं पिंडदान साधक पक्ष पिंडदान नहीं करूंगा आत्मा की शांति करने के लिए ये सब होता है और ये अर्थात ये अधर्म है ये कुमार्ग है ये गलत मार्ग है और इसीलिए सुपटिपन्न लेकिन जो बुद्ध का शिष्य है जो बुद्ध का शिष्य है कौन सा सावक है जो ग्रहणशील है तो वो इस मार्ग से नहीं जाता कौन से ये गलत मार्ग से नहीं जाता और इसीलिए अगर हम बौद्ध है तो बौद्ध अगर हम दिखाई देना है हमें बौद्ध हम कहते हैं हम तो हमें ये जो मार्ग है इस मार्ग से नहीं जाना चाहिए और बाबा साहब ने इसलिए आपको सरल भाषा में आठ प्रतिज्ञा में कहा है फिर उसमें नाम भी बताया एक एक का बुद्ध ही विष्णु का अवतार नहीं थे आ, ये भी कहा है और किसी ने अवतार लिया ये भी बताया कि अवतार पर विश्वास नहीं तो इसीलिए हमें ये जो सात आठ प्रतिज्ञा जो है बाबा साहब ने ब्रेन वॉश करने के लिए हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है और अधर्म को निकाल फेंक दिया है तो अधर्म माने जो निकाल फेंकता कर्मकांड से बाहर होता है तो आदमी शुद्ध होता है और जब शुद्ध होता है तो इसलिए यहाँ का का है? का का है कि सुपटिप्नो भगवतो सावक संग फिर कहा जब भगवतो सावक संग अतः सुमार्ग से जब हम लगते हैं हमारे भीतर एक के बाद एक बुद्ध ने जो ये जो हम बुद्ध की जो त्रिरत्न वंदना संघ की वंदना करते हैं तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहले हमारे भीतर का कचरा साफ करो सुपटिपण जो सुपटिपन्न मानी योग्य मार्ग पर लग जाओ और योग्य मार्ग पर लगने के बाद में आपको फिर उज पट्टी पन्नो तो फिर क्या है आपके पास उज पट्टी मतलब क्या है फिर तो उज पट्टीपन्न है अगर आपको ये, ये नहीं करना है ये नहीं करना है कर्मकांड छोड़ना वो करना है हाँ ये पत्थर की पूजा छोड़ना है सबके करना है तो फिर क्या करना है तो यहाँ फिर फिर क्या है ऊज पटी ऊज माने क्या है उज्ज्वल उज्ज्वल का अर्थ होता है उजाला उजाला का अर्थ होता है दिया अंधेर अंधेरा जो रहता है अगर अंधेरे में अगर दिया जलाया तो उजाला ही उजाला होता है साफ दिखाई देता है तो यहां साफ दिखाई देता है अर्थात फिर साफ सुथरा अर्थात स्वच्छ तब हमें लगता है कि प्रज्ञा से देखते हैं कि ये जो गलत कार्य था हमने इसको छोड़ दिया कर्मकांड को ये सब गलत मार्ग को हमने अभी कौन से धर्म का हो अगर इसमें गर्म गलत कर्म कांड है या कोई भी अपना फायदा नहीं तो यहाँ प्रज्ञा से देखते क्या ये बुद्ध ने सही कहा कि गलत कहा क्या बाबा साहब ने सही कहा कि गलत कहा कि मैं कौन से रास्ते जाना है ये जो कहते कि ये गलत मार्ग है तो हमें प्रज्ञा से देखना है यहाँ और प्रज्ञा से जब देखते तो सही में उजाला हो जाता है सम्यक दृष्टि का आभास होता है जैसे बिजली कौन जाती है चमक जाती है बिजली एक क्षण के लिए पल के लिए तो उसमें जैसा उजाला हो जाता है ऐसा हमारे मन में झटका लगता है प्रज्ञा का और हमें लगता है कि नहीं ये गलत था तो सही क्या है तो उज्जवल उज्जवल कोई इसमें घुमाव फिराव नहीं कोई घुमाव नहीं के हाँ ये चार बकरा दो आ, चार दारू की बॉटल दो शराब की बॉटल दो पांच मुर्गा दो एक बकरा दो तब मैं तुम्हें शांत करूंगा ऐसा कोई मार्ग नहीं है ये साफ सुथरा है आओ और देखो यही पक्ष को आओ और देखो यही पक्ष को कोई कालांतर में नहीं आप यहाँ साक्षात्कार कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो ठीक है नहीं तो रास्ता खुला है सबके लिए खुला है तो इसलिए यहाँ कहा है उज पट्टी का महत्व तो होता है साफ सुथरा स्वच्छ स्वच्छ अर्थात आचरण तो यहां जो कर्मकांड को जो पहला उजयपट्टी सुपट्टिपन्न करता है तो यहाँ शील को महत्व दिया है शील को महत्व दिया, मत दिया मतलब शील आपकी रक्षा करेगा और इसलिए वो जो उज पट्टी मतलब शील के तरफ ले जाने वाला मार्ग को जो शील की ओर ले जाने वाला मार्ग है तो जो शील का पालन करते हैं ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूं अर्थात शील को ज्यादा महत्व दिया है यहां तो उजपट्टी का अर्थ होता है शील शील की तरफ ले जाने वाला मार्ग अर्थात आपको शीलवान बनाने वाला मार्ग और शील कहां से शुरुआत होता है हमारा सील तो हम अगर देखा जाए तो हमारा सील शुरू होता है कहां से शुरू होता है पानाति पाता वे रमन दाना वे रमन कामेशु मिच्छाचारा वे मुसा वादा वेरमनि रमन और सुरा मेरय मज्ज पमाद थाना वेरमनि अब यहां यहां से शुरुआत होता है तो ये बौद्ध एक बौद्ध के लिए खाली मात्र पांच सील और इसमें सबसे पहला जो सील दिया कि सभी प्राणी मात्रों के ऊपर मैत्री करो क्या कहता है पहला ही पहला ही क्या कहते हम मैत्री कर्म करके अर्थात क्या होता है सभी जितने भी प्राणी मात्र है उसके ऊपर मैत्री करो और कई अन्य धर्म में मैत्री करने की बात ही नहीं कही दंड मार्ग इधर देखे उधर दंड मार्ग है लेकिन उजापट्टी पन्नो क्या कहता है यह मैत्री मार्ग आपको मैत्री मार्ग आपको दिया है मैत्री मार्ग से चलना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब दंड मार्ग है गुलाम आप देखेंगे तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां अगर तुलना करेंगे आप कंपेयर कम कंपे, इसमें आप कंपेयर करेंगे कैसा करेंगे कि अन्य धर्मों में आपको गुलाम गुलामी है गुलाम है कि मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें, तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा यह मेरे हाथ में है कहता कि मैं मेरे सब अगर तुम अगर मेरी बात नहीं माने तो तुम काफिर हो और तुम काफिर अगर हो तो तुम्हें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं तो कत्ल करो तो इसलिए दंड मार्ग है तीसरा कहता कि मैं सबका बाप का बाप हूँ सभी देवों का देव हूं अगर तुम मेरी बात नहीं मानो तो मैं भी तुम्हें कहीं भी डाल सकता हूँ नरक में भी छोड़ता हम क्योंकि निमित्त है तुम जो भी करना है तो मुझे करना है तो मैं सर्वेश्वर हूँ सभी ने दावा किया और गुलामी की तरफ ले गए अर्थात गुलामी है यहाँ अर्थात यहाँ जबरदस्ती है लेकिन बुद्ध ने मैत्री मार्ग दिया कहते थे मैत्रीपूर्ण कर्म करके यहाँ ईश्वर का सफाया कर दिया आत्मा का सफाया कोई शांति नहीं तो यहाँ मैत्रीपूर्ण कर्म को महत्व दिया और इसलिए कर्म को कर्म अगर कहते तो मनोपूर्वक गम्मा मनोमया क्या कहते हैं इशारा कहते मनस्ता के पद उठे न अर्थात अगर मन पदोर अगर अगर आप गलत दृष्टि से गलत मन से दूषित मन से कार्य करोगे दुष्कर्म करोगे तो उसको दुख ही मिलेगा आपको आपको दुख ही मिलेगा और निर्दोष मन से दूसरी बात में क्या कहते मनस्ता के पसन्न पसन्न मन निर्दोष मन से अगर कार्य करते तो आपको सुख ही मिलेगा आपके हाथ में है बुद्ध कहते रास्ता दो सौ एक रास्ता दुख की तरफ जाने वाला है और एक रास्ता सुख की तरफ ले जाने वाला है अगर आप अच्छे मन से कार्य करोगे तो सुख मिलेगा और आप दूषित मन से कार्य करोगे तो दुख मिलेगा तो बुद्ध यहां आपको क्या कहते हैं रास्ता दिखाते अखा तारो तथा तो गता तुमने कृति आपको करना है बुद्ध केवल बता रहे हैं मार्ग बता रहे मार्ग दाता है और कृति आपको करना है तो इसलिए यहाँ क्या के मैत्री मार्ग देते हैं बुद्ध तो इसलिए उजपट्टी पन्नों का अर्थ तो होता है मैत्री मार्ग से अर्थात शिल के तरफ ले जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पर जो जाते हैं ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूं ऐसे सावक मतलब ऐसे शिष्य को ऐसे बुद्ध के संघ को जो संघ है ऐसे संघों को मैं शरण जाता हूँ तो ये उजपट्टी पन्नों अर्थात हमें गुलामी से दूर करता है हमारे अंदर जो डर है कि अगर इसको नहीं मानूंगा तो मेरा क्या होगा अगर मेरे इसके इस भगवान की पूजा नहीं करूंगा तो क्या होगा ये डर निकाल देते बुद्ध आपको स्वतंत्रता प्रदान करते आपको स्वतंत्र विचारधारा देते कि आपको क्या करना है हाँ। क्या कहते है बुद्ध यहां अयोनिशा या निबन गिनी क्या कहते अय्या ही लाभ पोनिशा या निब्बानगामी नगामी होने एक रास्ता तुम्हें संसार के तरफ ले जाने वाला है दुख के तरफ ले जाने वाला है और एक रास्ता तुम्हें निर्वाण के तरफ ले जाने वाला है अर्थात सुख की तरफ ले जाने वाला है निर्णय आपको लेना है और इसलिए सुपटिपन्नो भगवतो सावक का संघो कौन से मार्ग जाना है योग्य मार्ग से हमें जाना है जैसा संग गया कौन से मार्ग जाना उजय पटिपन्नोर उज्जवल साफ सुथरे शिल मार्ग से हमें आगे जाना है मैथ्री मार्ग से हमें आगे जाना है दंड मार्ग का उपयोग नहीं करना है तो अगर हम दंड मार्ग का उपयोग नहीं करते मैत्री मार्ग को जाते हैं, या हम शील मार्ग से जाते हैं तो निश्चित ही हमारी उन्नति है निश्चित ही हमारे सुख की तरफ जाने वाले है तो हमने आज आपके सामने दो सुपटिपन्नों और उजय ये दो बातें बताने की कोशिश की है आपने सुना आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं रोकता हूं सबको मैत्री पूर्ण जय भी आगे अशोक जी